हेलो एवरीवन, तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि कल गणेश चतुर्थी है, तो देखिए पीछे में हमारा गणेश का पंडाल है। तो इसके लिए भी हम लोग गणेश जी का मूर्ति लेने जा रहे हैं, सजावट का भी सारा सामान लेकर आएंगे। और आज रात को पूरा जो है इसको हम लोगों को सजाना है। तो देखते रहिए पूरा ब्लॉग कैसा रहता है आज का सफर। तो चलिए दोस्तों, अभी देखिए मेरा बुलेरो यहाँ पर आ चुका है और मेरा ड्राइवर भी आगे में बैठा है। ये देखिए, ये मेरा ड्राइवर है और ये मेरा चपरासी है, गाड़ी खोलता है और बंद करता है। और ये हमारे अध्यक्ष हैं, ये दिल कुमार ओगरे। तो चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से मूर्ति लेने के लिए। चलिए, अपना गाड़ी स्टार्ट हो चुका है, निकलते हैं। दोस्तों अभी आधा रास्ते से हम लोग वापसी आए हैं, देख लीजिए इसको। रो रहा था फिर जाने के लिए, हम लोग फिर से गाड़ी को घुमा करा। भाई ड्राइवर, पैसा पैसा वैसा लेगा कि नहीं लेगा? सुन ना, ड्राइवर को बोलना पानी ले आएगा तुम्हारा। ठंडा पानी भी ले आना है ना, डिस्पोजल में। ठीक है, दोस्तों उतर चुके हैं, अब जा रहे हैं हम लोग मूर्ति लेने के लिए। भाई साहब, बहुत ज्यादा मूर्तियां लग रही हैं, अंदर में बहुत ज्यादा भीड़ है। जाकर देखते हैं अंदर के साइड में भी। भाई साहब, मूर्तियों का लाइन लग गया है, देख लीजिए। 1100 पड़ी थी, 1000 में देखिए। यहाँ पर आओगे तो भाई आँख भी ना जाएगा एकदम से। दुर्गा माता की भी मूर्ति यहाँ पर बन रहा है अभी। ये देख लीजिए भाई, एक से बढ़कर एक मूर्ति भाई। दिमाग खराब भाई साहब। तो गाइस, इतना ज्यादा मूर्ति है यहाँ पर कि आप लोग छाड़ते छाड़ते पूरा जो है दिमाग घूम जाएगा। तो अभी हम लोग घूम घूम कर देख रहे हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कैसा कैसा मूर्ति है। ये देख लीजिए, इसको लेने का तो भाई अभी हमारा हैसियत नहीं, लेकिन फिर भी देख रहे हैं घूम घूम कर। छोटा सा मूर्ति ले जाएंगे अपने हिसाब से। यहाँ पर देख लीजिए, दुर्गा मैया का भी जो है मूर्ति अभी तैयार हो रहा है। इतना प्यारा प्यारा मूर्ति है भाई, कितना भी तारीफ करो कम है। देख लीजिए, भाई साहब स्वर्ग लोक से कम नहीं लग रहा है यहाँ पर। तो भाई साहब अभी काफी कंफ्यूज हो रहे हैं हम लोग, कौन से मूर्ति को लेंगे। इतना सारा मूर्ति है, पूरा कंफ्यूज हो जाओगे। देख रहे अभी वो सेकंड वाला गणेश जी की मूर्ति को लोग थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। अभी भैया आएंगे तो बताएंगे रेट कैसा है, उस हिसाब से लेंगे हम लोग। इतनी ज्यादा मूर्तियां हैं दोस्तों, उसके बावजूद भी इनको पसंद नहीं आ रहा है, तो अभी दूसरे जगह जाएंगे, बोल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरे लोकेशन में कैसा मूर्ति मिलता है। तो दोस्तों, बाहर आके पता चला कि मूर्तियां तो अच्छी थी वहां पर, लेकिन जो वहां पर बेचने वाला है ना, थोड़ा बदतमीजी कर रहा था, तो इस वजह से वहां पर नहीं खरीदेंगे बोल के लोग जो है, ये देखिए निकल कर बाहर आ चुके हैं। तो अभी चलते हैं दूसरे जगह पे, देखते हैं। भाई ग्राहक को इज्जत नहीं देगा तो कौन लेगा सामान भाई वहाँ से। चलते हैं दूसरे लोकेशन पर, देखते हैं और अच्छी मूर्तियाँ भी मिल जाएंगी वहाँ से। कहीं पर भी दोस्तों हम लोग को मूर्तियाँ जो है पसंद नहीं आ रही, तो अभी हम लोग पूरा सिटी जो है घूम रहे हैं, कहीं पर तो मिलेगा, देखते हैं कहाँ पर मिलेगा हम लोगों को। तो दोस्तों अभी फिर से हम लोग गाड़ी से उतर चुके हैं, जस्ट देखिए ओवर ब्रिज के हम लोग नीचे में खड़े हैं अभी, और जा रहा हूँ साइड में कुछ मूर्तियाँ दिखी है, जाकर देखेंगे उस साइड में। देख लीजिए दुकान है, तो कैसा कैसा मूर्ति रहता है, कैसा भैया बताएंगे हमें आगे का समाचार। देख लीजिए, रोड के जस्ट उस साइड में है कान्हा राखी सेल। हमारे टीम के बंदे पहुँच चुके हैं, मैं अभी पहुँचता हूँ अभी रोड क्रॉस करके। काफी सुंदर सुंदर मूर्तियां यहाँ पर, देखते हैं कौन सी मूर्ति पसंद आती है अभी। ओ भाई साहब, नहीं आएगा। तो अभी बाहर साइड से भी देख रहे हैं कुछ मूर्तियां। तो अभी मेरे ड्राइवर को पसंद नहीं आया, फिर से और बड़ा मूर्ति देखेंगे बोल के फिर से वहां से ले आए हम लोगों को। देखते हैं कितना रायगढ़ में घुमाएगा आज हम लोगों को।
भाई साहब पूरा हालत खराब हो चुका है, काफी गर्मी लग रहा है। चलिए दूसरे लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पर क्या ऐसा रहेगा माहौल देखते हैं। तो भाई साहब बहुत सारी यहाँ पर दुकानें दिख रही हैं मेरे को, तो लगता है कि बहुत देर बाद हम लोग असली जगह में पहुंचे हैं। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन रहेगा हमारे पास। और हमारे ड्राइवर साहब को देखते हैं अभी पसंद आता है नहीं आता है। कितनी सारी दुकानें देख लीजिए, संडे का जो मार्केट होता है दोस्तों यहाँ पर लगता है रायगढ़ में, वहीं पर सारे यहाँ मूर्तियों का दुकान अभी लगा हुआ है। सजाने के लिए भी बहुत सारे सामान यहाँ पर मिल जाएंगे आप लोगों को। इन लोगों को देख लीजिए कैसे लाइन से खड़े होकर देख रहे हैं दूर से। भाई साहब यहाँ पर तो चकमका जाएंगे जैसा लग रहा है। बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पर, देखिए सामान भी खरीद रहे हैं। ये देखिए ड्राइवर को देखिए फिर से निकल गया। शायद पसंद कर रहा है किसी मूर्ति को। इसका हाव भाव लग नहीं रहा भाई, यहाँ से करे तो आएगा। मूर्ति तो अभी तक खरीदा नहीं है लोगों ने, अब सजावट का सामान खरीदने के लिए पहुँच चुके हैं। 120 रुपए का है, देख लो एक पैकेट 20। 120 रुपए, 120। ये लोग जो है दोस्तों सामान ले रहे हैं। तुम्हारा भाई पूरा हो चुका है यहाँ पर बोर, एक ही जगह में एक घंटा तक रुक रहे हैं, कुछ भी सामान खरीद नहीं रहे हैं। दिमाग हो जाता है मेरा गोले, देखिए हमारा ड्राइवर फिर बाहर निकल गया इधर उधर, उसके मन में शांति नहीं क्या सामान लेगा कहाँ। भाई ये देखिए पिछले दुकान जहाँ पर हम लोग गए थे मूर्ति लेने, वहाँ का मालिक यहाँ का जो सजावट सामान का मालिक है, तो घूम के फिर यहीं पर आ गया, तो फिर से वहीं पर मूर्ति लेने के लिए जाएंगे बोल रहे हैं अभी। तो इसीलिए यहाँ पर जो है मूर्तियाँ नहीं ली हैं हम लोगों ने, यहाँ से फिर जाएंगे उन्हीं के दुकान में वापस से लेने के लिए। तो यहाँ से सजावट का सामान लेके फिर से जा रहे हैं मूर्ति को खरीदने के लिए। लगता है आज पूरा दिन जो यहीं पर हमारा खत्म हो जाएगा रायगढ़ में। ये मेरा खलासी देखिए कैसे खोलता है गेट को, लौट के बुद्धू घर को आए बोलते हैं ना वैसे। हम लोग फिर से लौट कर पहुंच चुके हैं वही जगह पे। अब भैया तुरंत पैक करवाओ जिसको करवाना है बता रहे हैं। फाइनली वाला हमारा गणेश मंदिर की मूर्ति जो है सेलेक्ट हो चुका है, इसको अभी पैक करवा रहे हैं हम लोग। दिल कुमार आपको पसंद आ रहा है? तो दोस्तों हमारा मूर्ति हम लोगों ने देखिए खरीद लिया है, अभी जा रहे हैं। शाम के 5:30 बज गया भाई, हम लोग 2 बजे से निकले थे, 3-4 घंटा लग गया लगभग से। तो दोस्तों अभी मुनकू और मेरे को छोड़ के बाकी सब लोग जो उधर देखिए पूजा का सामान लेने के लिए गए हैं उस साइड में बाहर में। अभी हम लोग कोड़ातरे पहुंच चुके हैं रायगढ़ से आकर, और उसके जस्ट बाद जो हम लोग घर ही जाएंगे, पूजा का सामान ही बाकी है। बाकी सजावट का सामान और मूर्ति वगैरह जो भी लेना था हम लोग, तो सारा सामान हम लोगों ने खरीद लिया है। तो दोस्तों रात को हम लोगों ने आकर वहाँ पर सजावट भी किया था, लेकिन मैं जो है आज ट्रायल के लिए जाऊँगा, इसी वजह से मैं सो गया था दोस्तों। पूरा सजावट का वीडियो मैं नहीं बना पाया, तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर ख़त्म करता हूँ। पसंद आएगा तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना।